उसने मुलाकात जरूर किया था राजनीतिक कारणों से कि भाई एनडीए में अब सीटों का बंटवारा या सीटों का तालमेल हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म है और हर तरफ से भारी जीत का दावा किया जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन बिहार में पूरी तरीके से एनडीए को साफ कर देने की बातें कर रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख सहयोगी जीताराम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जीताराम मांझी दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हम लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का जो बंटवारा है, सीटों का जो फाइनल लिस्ट बनाने की बात है, सीटों का जो असमंजस है या कहें कि सीटों का आपसी जो तालमेल की बात है वो फाइनल हो जाएगा, उसमें कहीं कोई झंझट या फिर किंतु परंतु का सवाल नहीं है। मैं तो अभी दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन हम लोगों के बीच में सारे चीज़ें पर सहमति बन जाएगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो वहाँ अभी भी पूरे मामले पर सिर फुटौल है। पहले जीताराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली जाने से पहले, दिल्ली में किनसे उनकी मुलाकात होगी, ये अभी सवालों को घेरे में है। लेकिन दिल्ली जाने से पहले लोकसभा सीट को लेकर सवाल पूछने पर क्या कुछ जीताराम मांझी बोल रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। हम जब से एनडीए में आए हैं तब से इसके पहले जो गए थे तो हमने उनसे मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात जरूर किया था राजनीतिक कारणों से कि भाई एनडीए में अब सीटों का बंटवारा या सीटों का तालमेल हो जाना चाहिए। तो बात हुई है दशहरा के बाद सब लोग यहाँ प्रवास में आवेंगे, इसी समय सारी बात होगी। और आज जो हम जा रहे हैं विशुद्ध रूप में अपना व्यक्तिगत बात के लिए जा रहे हैं, हमारा आँख का ऑपरेशन होगा, कल हम एम्स में भर्ती होंगे, फिर 12 तारीख को हमारा ऑपरेशन होगा, 13 को शायद हम निकल पाएंगे, उसी हमारी बेटी है उसके खांसी हो रही है, यहाँ कई एक डॉक्टर देखे हैं उसके बावजूद भी बहुत तरह की बात हो रही है, वो भी जा रही है। तो इस बार हम कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से। तो अभी आपने जीताराम मांझी को सुना है जो बिहार के पूर्व सीएम हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, वो पार्टी के संरक्षक हैं मौजूदा समय में, और उनका साफ साफ कहना है कि एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, 2024 को लेकर हम लोग पूरी तरीके से मैदान में हैं, आपने खुद सुना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर हम लोग अपनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होंगे, कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। साथ ही साथ आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी ये दिल्ली यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये व्यक्तिगत यात्रा है। उन्होंने कारण भी बताया है कि किस लिए दिल्ली जा रहे हैं, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या एनडीए में सीटों के बंटवारे में सिर्फ फुटौल की बातें नहीं होगी, क्या आपसी जो सहमति है, आपसी जो बातें हैं तालमेल की जो बातें होती हैं, क्या उसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्या चिराग पासवान हो या पशुपति पारस या उपेंद्र कुशवाहा, सब लोगों को कितनी संख्या में सीटें मिलेंगी, जीताराम मांझी कितने, उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इन तमाम तरह के सवालों के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।